पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्वर्णपुर के राजा ने पंडित जी को बताया कैसे उनके समक्ष एक चुनौती आई है जिसे सुलझाने के लिए उन्हें उनकी मदद चाहिए। महाराज कहिए क्या चुनौती है और मैं आपकी उसमें क्या सहायता कर सकता हूँ। पंडित जी, आपको एक ऐसे सुंदर महल का निर्माण करना है जो जमीन पर न टिका हो और उसमें रेती रोड़ी सीमेंट भी ना लगी हो, साथ ही इसमें चारों ओर से हवा भी आनी चाहिए। महाराज, कार्य है तो बहुत कठिन, परंतु मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। वाह, क्या बात है। यदि आप ऐसा महल बनाने में सफल रहे तो हम आपको 5 एकड़ जमीन भेंट स्वरूप देंगे। धन्यवाद महाराज। अब इतना सुंदर और भव्य महल का निर्माण करना है तो मुझे कुछ समय तो लगेगा, साथ ही कुछ कारीगर भी चाहिए होंगे। महामंत्री, पंडित जी को जो भी चाहिए उन्हें दे दीजिए। जो आज्ञा महाराज। क्या हम जान सकते हैं कि इस महल निर्माण में कितना समय लगेगा? यही कोई 15 दिन। बहुत अच्छा, हम 15 दिनों बाद महल अवश्य देखने आएंगे। प्रणाम महाराज। आज रात पंडित बेचैनी से यही सोच रहा था कि इस महल का निर्माण कैसे होगा। मैंने महाराज को बोल तो दिया है, परंतु इस विचित्र महल का निर्माण कैसे होगा? हे माँ, मुझे कोई युक्ति सुझाएं। अगली सुबह स्वर्णपुर के पुरोहित को पूरे राजकीय सम्मान के साथ बुलाया गया। पुरोहित के साथ बलराज, तोता और अनोखे भी नगर में आ जाते हैं। वाह पंडित, मान गए तुम्हारी बुद्धिमता को। मैं दिल से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ कि तुमने इस राज्य को भ्रष्टाचार से बचा लिया। धन्यवाद महात्मा। अनोखे भाई, क्यों, बचा लिया ना तुम्हें? हाँ पंडित जी, बहुत धन्यवाद। वैसे मुझे विश्वास था कि आप मुझे बचा ही लेंगे। माधव बेटा, तूने मेरे भी प्राण बचाए हैं। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। दादी, मेली मैना का लो लोकल बुला हाल हो गया होगा। पंडित जी, बस अब तो हम सबको जल्दी से गांव भेज दीजिए। महाराज, इन तीनों का कोई दोष नहीं है, तो क्या ये गोपालगढ़ वापिस जा सकते हैं? क्यों नहीं पंडित जी, महामंत्री जी, इनके जाने का प्रबंध किया जाए। जी महाराज, क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं पंडित जी? नहीं अनोखे भाई, मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। पंडित जी अनोखे को चुनौती के बारे में बताते हैं। पंडित जी, क्यों ना मैं आपके संग यहीं रुक जाऊं? सरपंच जी और तोता भैया, आप दोनों गांव वापिस चले जाइए। मैं पंडित जी के साथ कुछ दिनों में आ जाऊंगा। क्यों ना मैं भी यहाँ रुक जाऊं? क्या पता महाराज मुझे भी कुछ भूमि का टुकड़ा दान कर दे। महाराज, मैं भी यहाँ पंडित जी के संग रुकना चाहता हूँ। दीदादी, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। यह पंडित तो इतना चलाक है कि हर मुसीबत से बच निकलेगा। यदि यह महल नहीं बना पाया तो लालच के वजह से आप फंस जाओगे। अब देख लो। तू ठीक रहा है तोते। काका, आपको नहीं पता, गांव में काकी बहुत परेशान है। आप वहां जाकर काकी को संभालिए, मैं और अनोखे कुछ दिनों में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चल तोते, हम दोनों चलते हैं। प्रणाम महाराज। बलराज और तोता गोपालगढ़ पहुंच जाते हैं। अरे सरपंच जी, आप तो लौट आए। माधव और अनोखा तो आपको ढूंढने गए थे, न जाने दोनों कहाँ रह गए।
वे दोनों स्वर्णपुर में है। आप चिंता न करें, वे वहाँ के महाराज का एक कार्य पूर्ण कर थोड़े दिनों में लौट आएंगे। उधर माधव और अनोखा विचित्र महल बनाने की युक्ति ढूंढ रहे थे। अनोखे, महल बनाने की एक युक्ति तो सूझी है, कान इधर ला, बताता हूँ। वाह पंडित जी, सब समझ गया। अभी जाकर सभी मजदूरों को काम सिखा देता हूँ। हर शाम की तरह पंडित जी और अनोखे जंगल में चले जाते हैं। ये पंडित और अनोखा दोनों जंगल में क्या करने जाते हैं? मुझे यह बात पता लगाकर महाराज को बतानी होगी। चलो, इन दोनों का आज पीछा करता हूँ। पंडित जी, दरोगा पीछे पीछे आ रहा है। तू पीछे मत देखियो, बस आगे चलता जा। चलते चलते बहुत थक गए हैं, क्यों ना इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर ले पंडित जी। ठीक है भाई, थक तो गए हैं, चलो विश्राम कर ही लेते हैं। पंडित जी, आप तनिक विश्राम कीजिए, मैं महल का निर्माण कार्य देख लेता हूँ। ठीक है अनोखे। मैं यहाँ थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। वाह पंडित जी, महल का शयन कक्ष तो बड़ा ही सुंदर बना है, इधर आकर देखिए तो सही। सच में अनोखे, यह तो बहुत सुंदर है। आखिर हम सब ने मिलकर बड़े प्यार और मेहनत से इसे बनाया है, तो कहो तुम्हें यह महल कैसा लगा? मुझे तो यहाँ कोई महल नहीं दिख रहा, लगता है 5 एकड़ जमीन के लालच में ये दोनों पागल हो गए हैं। छोड़ो, 2 दिन शेष हैं, फिर तो महाराज इनको सजा दे देंगे, क्योंकि महल तो यह बना नहीं पाए। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब पंडित को महाराज के सामने वह महल प्रस्तुत करना था जिसे वह पिछले 15 दिनों से बना रहा था। हाँ तो पंडित जी, बताइए क्या महल बनकर तैयार है? जी महाराज, महल का निर्माण जंगल में हुआ है, तो आपको वहाँ पर चलना होगा। अब राजा, महामंत्री और दरोगा के साथ जंगल पहुँच जाते हैं। दिखाओ पंडित, कहाँ है महल? महाराज, आप अद्भुत महल के बिल्कुल सामने ही तो खड़े हैं। राजा पेड़ की तरफ देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ बहुत सारे तोते उड़ रहे थे, वे सब वही बात दोहरा रहे थे जो पंडित और अनोखे उस पेड़ के पास पिछले 15 दिनों में बैठकर करते थे। वाह, यह शयन कक्ष तो बहुत ही सुंदर बना है। कहिए, यह महल आपको कैसा लगा? यह कैसा मजाक है पंडित, यहाँ तो कोई महल नहीं है। महाराज, महल तो यहीं पर है, हूबहू वैसा ही है जैसा आपने कहा था। यह न जमीन पर टिका है, न ही इसमें रेत, रोड़ी, सीमेंट का प्रयोग किया गया है, और यह बहुत खूबसूरत भी है। और देखिए, ये सब तोते भी तो इसको देख पा रहे हैं ना। पंडित, आपकी बुद्धि भी इस महल की तरह अद्भुत है, दिखाई नहीं देती बट बहुत सुंदर है। आपने इस चुनौती का बहुत ही विचित्र हल निकाला है, हम बहुत प्रसन्न हुए। पंडित जी, मेरे मन में एक दुविधा है, कहो तो मैं आपसे पूछूं। हाँ हाँ दरोगा जी,
इसमें संकोच कैसा? इतने सारे तोतों को आपने बोलचाल की शिक्षा कैसे दी? ये सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं। दरोगा जी, आपको तो पता ही है मैं और अनोखे हर रोज यहाँ जंगल में आते थे और इसी पेड़ के नीचे बैठकर महल की बातें करते थे, तो आप शायद यह देखना भूल गए कि इस पेड़ पर बहुत से तोते बैठे होते थे। अब तोते मनुष्य की भाषा बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, तो मैं और अनोखे जो 15 दिनों में बातें कर रहे थे वह इन तोतों ने सीख ली। बस बहुत अद्भुत। महामंत्री जी, पंडित जी को 5 एकड़ जमीन देकर सम्मान के साथ गोपालगढ़ भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। तो मित्रों, हम मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। धन्यवाद।